खरीदारी करने की राय है दीप, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। हालांकि 4.5% ऊपर है, लेकिन अब भी खरीदने की राय है। और उसकी वजह यह कि आज शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तैयारी में वित्त मंत्री जी की 5 बजे, उसमें बैड बैंक को लेकर जो ऐलान हो सकता है वो उन सभी सरकारी बैंकों के लिए बेहद फायदे की बात होगी जिनके सबसे ज्यादा एनपीए, जिसके सबसे ज्यादा एनपीए उसी के लिए एनपीए रिडक्शन का काम होगा। क्या हो सकता है बैड बैंक का जो पहले प्लान है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे फायदा होगा। आइडिया ये है कि जिनके पास जो एनपीए हैं, जो बैड बैंक में एसेट्स ट्रांसफर होने वाली, उसका 15% अपफ्रंट कैश मिल जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपए के एनपीए तो 15 रुपए तो बैंक को कहेंगे आप अभी तुरंत ही लेके जाइए ताकि आपके लिए कैपिटल हाथ में आ जाए। ये पहली चीज है। और इसमें भी उन बैंक्स को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनके पास एनपीए ज्यादा है। अब ऐसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन एनपीए ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो ये बैंक्स के मर्जर हुए ना, हर मजबूत बैंक के साथ एक दो कमजोर बैंक की जो शादी की गई है, उसके बाद जो एनपीए बढ़ गए इनके, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार ये करेगी कि भाई इन बैंक्स को प्राथमिकता दी जाए जिनके साथ में हमने कमजोर बैंक डाले हैं। तो उस लिहाज से, और करीबन करीबन आप इससे समझ लीजिए, इनके एनपीए में 2% की कमी आती हुई दिखेगी आगे चलते हुए। तो सबसे ज्यादा फायदा बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो पीएनबी को हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद इन्हें नए कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। नेचुरली 15% कैश आ जाएगा, एनपी रिडक्शन हो जाएगा, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी कम हो जाएगी, या फिर अगर ये कैपिटल रेज करना भी चाहते हैं तो करना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बैड बैंक वाली जो खबर है, ये सरकारी बैंकों के लिए बड़ी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। और सरकारी बैंकों का इंडेक्स ऐसे ही 3.5-4% आज ऊपर नहीं है। पूरी डिटेल्स आने के बाद कल फिर से इन सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, लास्ट वीक हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी दोनों ही खरीदारी करने की राय दी थी, आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी दोनों ही हमें पसंद है। बैंक ऑफ बड़ौदा 83 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है, 88 92, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप सोचते हैं तो 97 तक के टारगेट आ सकते हैं। फिलहाल 88 92 दो टारगेट रखें ट्रेडिंग के लिहाज से, और बड़ा टारगेट 97 का लेकर चल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन रह सकता है भरपूर। जी दीप।